सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आज फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बेटे, आज मैं आपको एक कविता का अभ्यास करवाने जा रही हूँ, जड़ की मुस्कान। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि ये कविता श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। इस कविता में हरिवंश राय बच्चन जी यह संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य जितना मर्जी प्रगति कर ले, लेकिन उसे अपने प्रगति का जो आधार है, यानी जिसके कारण उसने विकास किया है, उसको श्रेय देना उसे नहीं भूलना चाहिए। कई लोग ये समझते हैं कि यदि हमने आगे विकास किया है, हम आगे बढ़े हैं, तो हम केवल अपने बल पे बढ़े हैं। वो भूल जाते हैं कि उनकी प्रगति के पीछे न जाने कितने लोगों का हाथ है। तो आज यह कविता मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने जा रही हूँ, जड़ की मुस्कान। एक दिन तने ने भी कहा था, जड़ जड़ तो जड़ ही है, जीवन से सदा डरी रही है, और यही है उसका सारा इतिहास कि जमीन में मुंह गड़ाए पड़ी रही है। इस कविता में सबसे प्रारंभ में एक तना जो है वो जड़ को संबोधित करते हुए बोलता है कि जड़ तो जड़ है, यानी जड़ में जान नहीं है, वो तो सारा उम्र जो है वो जीवन से डर के अपने जमीन में मुंह छुपा के गड़ी रही है। उसका इतिहास ही यही है, उसके बारे में हम केवल यही जानते हैं कि वो हमेशा जमीन के अंदर मुंह छुपा के बैठी रहती है। लेकिन मैं जमीन से ऊपर उठा, बाहर निकला, बड़ा हूँ, मजबूत बना हूँ, इसी से तो तना हूँ। तो तना कहता है, लेकिन मुझमें हिम्मत है, मैं जमीन से ऊपर उठ के बाहर निकला हूँ और बड़ा हूँ, और मैंने अपने आप को मजबूत किया है, इसीलिए तो मैं आजकल तन कर खड़ा हूँ और मुझे तना कहा गया। तो इस प्रकार तने ने जड़ को निर्जीव बताते हुए उसका उपहास उड़ाया, उसका मजाक बनाया। एक दिन डालों ने भी कहा था, तना किस बात पर है तना। अब यहाँ पर जो डालियां हैं वो तने का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं कि तना आखिर किस बात पर तना है, किस बात पर अकड़ रहा है, उसे किस बात का घमंड है। जहां बिठाल दिया गया था वहीं पर है बना, जहां उसे बिठा दिया गया, यानी जहां तने को खड़ा कर दिया गया, जहां उसे बिठाया गया, वो वहीं का वहीं है, वहां से बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है। प्रगतिशील जगती में तिल भर नहीं डोला है, इस प्रगतिशील संसार में, जगती यानी संसार में, वो तिल भर बिल्कुल भी नहीं डोला। खाया है, मोटाया है, सहलाया चोला है, वो तो बस खाता पीता है, मोटा हो गया है और उसका चोला जो है वो भारी हो गया है। लेकिन हम तने से फूटी, लेकिन हम कहाँ से निकली, डालियां कहती हैं कि हम तने से निकली हैं, दिशा दिशा में गई, हम चारों दिशाओं में गई, ऊपर उठी, नीचे आई, हर हवा के लिए दोल बनी, लहराई। हम ऊपर उठती हैं, नीचे आती हैं, हवा के लिए सहारा बनती हैं, लहराती हैं, इसीलिए तो हम डाल कहलाती हैं, इसीलिए हम डालियां कहलाती हैं। अब यहाँ पर पत्तियों ने कहा, अब अगली बारी थी पत्तियों की। पत्तियां कहती हैं, डाल डाल में है क्या कमाल, माना वह झूमी झुकी डोली हैं। पत्तियां कहती हैं कि आखिर डालियों में क्या कमाल है, डालियां क्यों अपने आप को इतना ऊंचा इतना महान बता रही हैं, माना कि वो झूमती हैं, झुकती हैं, डोलती हैं, यानी हवा से इधर उधर डोलती हैं, लेकिन इस ध्वनि प्रधान दुनिया में एक शब्द भी वह कभी बोली है। तो पत्तियां कहती हैं कि आजकल की जो दुनिया है वो तो ध्वनि प्रधान है, मतलब यहाँ पर चारों ओर ध्वनि का, आवाज का महत्व है, तो क्या उन्होंने कभी एक शब्द भी बोला। लेकिन हम हर हर स्वर करती हैं, मरमर स्वर मर्म बराबरती हैं। पत्तियां कहती हैं कि हम सुरीली आवाज निकालती हैं, नूतन हर वर्ष हुई, हर वर्ष हम अपने पुराने पत्तों को झाड़कर नया रूप लेती हैं, यानी नवीन, नूतन यानी नया, हम हर वर्ष नई होती हैं, पतझड़ भी झड़ती हैं, बहार फूट फिर छहरती हैं, और जब बहार आती है तो हम फिर से बाहर आती हैं, वी थकित चित्त पंथी का शाप ताप हरती हैं, और यदि कोई थका हुआ, थके हुए चित्त वाला, थके हुए मन वाला पंथी यानी मुसाफिर आ जाए, हमारे नीचे बैठ जाए, तो हम उसका शाप ताप हरती हैं, हम उसकी गर्मी को दूर करती हैं, उसे शीतलता प्रदान करती हैं। अब यहाँ पर पत्तियों के बाद
फूलों ने कहा। एक दिन फूलों ने भी कहा था, पत्तियां, पत्तियों ने क्या किया? फूल कहते हैं कि आखिर पत्तियों ने किया क्या है? संख्या के बल पर बस डालों को छाप लिया उन्होंने, तो बस संख्या के बल पर, यानी उनकी इतनी ज्यादा संख्या है, इतनी ज्यादा गिनती है कि उन्होंने बस डालों को ढक दिया है। डालों के बल पर ही चल चपल रही हैं, वो तो केवल डालियों के बल पर ही चपल रही हैं, मचल रही हैं, हवाओं के बल पर ही मचल रही हैं। हवाओं के बिना तो उनकी कोई सार्थकता है ही नहीं, कि हवा चलेगी तो पत्तियां उड़ेंगी, नहीं तो वे वहां की वहां रहेंगी। लेकिन हम अपने से खुले खिले फूले हैं, लेकिन यहां पर फूल कहते हैं कि हम तो स्वयं अपने से हिले हैं, अपने से खिले हैं, अपने से फूले हैं, रंग लिए, रस लिए, पराग लिए। हमारे अंदर क्या है? मनमोहक रंग है, रस है और पराग है। पराग कहते हैं बेटे जो फूलों के बीच में मधुर रस होता है, जिसको भंवरे पीते हैं, उसे पराग कहा जाता है। तो फूल कहते हैं कि हमारे अंदर रस है, हमारे अंदर पराग है, हमारी यश गंध दूर दूर तक फैली है, हमारी प्रसिद्धि, हमारी सुगंधि दूर दूर तक फैली है, और भ्रमरों ने आकर हमारे गुण गाए हैं। जो भंवरे हैं वो भी आकर हम पर हमारे गुणों को गाते हैं, हम पर बौराए हैं और वो हम पर बौराए हैं, हम पर पगला गए हैं, हमारे बिना उनकी कोई गति नहीं है। अब इस कविता के अंत की जो पंक्तियां हैं उसमें हरिवंश राय बच्चन जी ने इस एक पंक्ति में सारी जीवन की सार्थकता सामने रखती है। अंतिम पंक्ति है, जड़ मुस्कुराई है, सबकी सुन पाई है, जड़ मुस्कुराई है। यानी जड़ ने सबकी बातें सुनी, सबकी आत्म प्रशंसा सुनी और वो केवल मुस्कुरा दी, क्योंकि जड़ को पता है कि यदि मैं नहीं हूं तो इन लोगों के जीवन की कोई सार्थकता ही नहीं है। इन्हें जो भी भोजन मिलता है, पानी मिलता है, वो मेरे ही कारण मिलता है, और लेकिन ये आत्म प्रशंसा में इतने डूबे हुए हैं कि इन्हें इस बात का भी ध्यान नहीं कि यदि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन यहां पर जड़ ने कुछ कहा नहीं, जड़ केवल मुस्कुरा दी, क्योंकि जो उत्तम लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो कभी आत्म प्रशंसा नहीं करते, वो केवल कार्य करते हैं, वो कभी जताते नहीं है। तो यहां पर हरिवंश राय बच्चन जी ने जीवन का ये सार्थकता बताई है कि हमें कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए, अपना कार्य अच्छी तरह से ईमानदारी से करना चाहिए और अपने ऊपर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। इसके बेटा प्रश्नों के उत्तर भी मैं थोड़े से आपके साथ डिस्कस कर लेती हूं या आपको बता देती हूं। पहला प्रश्न है कि एक दिन तने ने जड़ को क्या कहा? तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि तने ने जड़ को कहा कि जड़ जो है वो निर्जीव है और हमेशा जमीन में अपना मुंह छुपाकर गड़ी रहती है। दूसरा प्रश्न है, जड़ का इतिहास क्या है? तो जड़ का इतिहास यह है कि वो सदियों से मिट्टी के अंदर ही मुंह छुपाकर रहती है। तीसरा प्रश्न है कि डाली तने को हीन क्यों समझती है? तो डाली तने को हीन इसलिए समझती है क्योंकि इस प्रगतिशील जीवन में वो बिल्कुल भी नहीं हिलता डुलता, जहां उसको बिठा दिया गया है बस वो वहीं बैठा हुआ है। अगला प्रश्न है कि पत्तियां डाल की किस कमी की ओर संकेत करती हैं? तो पत्तियों ने डाल की इस कमी की ओर संकेत किया कि इस ध्वनि प्रधान दुनिया में वे बिल्कुल भी नहीं बोलती, जहां की तहां स्थिर है, मौन है। फूलों ने पत्तियों की चंचलता का आधार क्या बताया? तो फूलों ने पत्तियों की चंचलता का आधार यह बताया कि जो पत्तियां हैं वो डालों के ही कारण मचल रही हैं, हवाओं के कारण ही इधर उधर मचल रही हैं, उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। और अंतिम प्रश्न आज का, सबकी बातें सुनकर जड़ क्यों मुस्कुराई? सबकी बातें सुनकर जड़ इसलिए मुस्कुराई क्योंकि उसे पता है कि यदि मैं नहीं हूं तो ये सब भी निर्जीव ही हैं, मेरे ही कारण इनका जीवन है, लेकिन ये आत्म प्रशंसा में इतने मुग्ध हो गए हैं कि इन्हें इस बात का भी ध्यान नहीं है कि मैं ही इन सब की नींव हूं। तो बेटा आज हम लोगों ने श्री हरिवंश राय बच्चन की कविता जड़ की मुस्कान का अभ्यास किया। उम्मीद है इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और इस कविता के प्रश्नों को स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे। इसके धन्यवाद बेटा।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।